अब तक हमने खबर दिखाई इंडिया गठबंधन में फूट की, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में भी फूट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं से चिराग पासवान बताए जा रहे थे, लेकिन अब असली नाम सामने आ रहा है, असली वजह भी सामने आ रही है, और जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है कि चिराग पासवान नहीं है वो जिसकी वजह से टूट रहा है एनडीए गठबंधन। जैसा कि हम कुछ दिनों से खबर दिखा रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में लगातार फूट देखने को मिल रही है और एनडीए गठबंधन काफी मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में परिस्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए का दामन तो थाम लिया, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे मंत्री है, कुछ ऐसे नेता है जिनकी वजह से नहीं बन पा रही है बात, एनडीए गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। क्या होगा इसका भविष्य, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वो असली वजह जिस वजह से बिहार में एनडीए गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं फायदा तो कहीं नुकसान का सौदा साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत किया था, लेकिन अब पार्टी का यही फैसला उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर काफी अनबन दिखाई दे रही है और अब गठबंधन पर इसका असर बढ़ने की खबरें हैं। पशुपति पारस मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के गठबंधन में आने से एनडीए में सीट शेयरिंग के समीकरण बदले हैं और यही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गठबंधन के अन्य सहयोगी सीटों की संख्या कम होने से नाराज है। खुद बीजेपी को भी अपनी सीट संख्या में कटौती करनी पड़ी है। पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह एनडीए से भी नाता तोड़ सकते हैं। आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को न्योता दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पारस अगर पाला बदलते हैं तो लालू यादव उन्हें हाजीपुर से चिराग के खिलाफ उतार सकते हैं। पशुपति पारस अभी हाजीपुर सीट से सांसद है। सीट बंटवारे में हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और चिराग पासवान इस सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल कर ली और चाचा को एनडीए से बाहर जाने की तरफ मजबूर कर दिया। बिहार में करीब 5-6% के बीच पासवान जाति के वोटर है, जिस पर रामविलास पासवान की शुरू से पकड़ रही है। इस वोट बैंक पर अब चिराग की पकड़ बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐन मौके पर चाचा को गच्चा दिया और भतीजे को हनुमान बनाकर बिहार में दलितों के नेता के तौर पर उतार दिया। यही फैसला गठबंधन टूटने की वजह बन सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है। दिल्ली में बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई शामिल नहीं हुआ था। वह मीडिया से ना तो खुद बात कर रहे थे और ना ही पार्टी के प्रवक्ताओं को बात करने को कहा है। इससे पहले 16 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए का हिस्सा बने थे तब उन्हें 3 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया था। काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल सीटें कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए चाह रहे थे। वह 2 सीटों पर भी संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद कुशवाहा का गणित फेल हो गया और सिर्फ उनके लिए काराकाट की सीट छोड़ी गई। खबर है कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कुशवाहा के घर जाकर मुलाकात की और काराकाट लोकसभा सीट के साथ ही विधान परिषद की 1 सीट देने का वादा किया। विपक्षी दलों के महागठबंधन में बिहार में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का कहना है कि सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ेगी। जेडीयू भले ही महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने की बात कहकर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि इस वक्त एनडीए में मामला ठीक नहीं है। दरभंगा मधुबनी की सीट बीजेपी के खाते में जाने से नाराज होकर जेडीयू के महासचिव रहे पूर्व सांसद अली अशरफ फातिमी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। देखा जाए तो बिहार में हालात कुछ ठीक नहीं है, राजनीतिक हलचल तेज है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं पर फायदेमंद साबित हो रहे हैं तो कहीं पर नुकसानदेह है। फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है कि इंडिया जिस इंडिया गठबंधन को खुद नीतीश कुमार ने बनाया था, जिस इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामा था नीतीश कुमार ने, और वही इंडिया गठबंधन में जो फूट नजर आ रही है, आगे इसका भविष्य क्या है, लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। और आपकी नजर टिकी रहे डिजिटल खबरी लाल पर, क्योंकि खबरें आपकी नजर हमारी।